मंडी सदर के मंगवाई में चोरी हुए गहने पुलिस ने मोती बाजार में एक सुनियार की दुकान से बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये चोरी उसी घर की बहू ने की थी। काजल चोरी के अन्य वारदातों में कहीं संलिप्त तो नहीं है, पुलिस विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। मंगवाई निवासी विमला कुमारी ने 7 सितंबर को गहने दो मोबाइल चोरी करने की शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। चोरी में काजल के लिप्त होने के बाद उसे सोमवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी मंडी भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी के मामले में काजल को अपराधी पाया गया। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस कस्टडी में है, आगे की छानबीन की जा रही है। मराथू में सुसाइड वाली जो घटना है वो आज सुबह की इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर कोई रीता नाम की कोई लेडी, उसने कहीं सुसाइड कर लिया, जिस पर मौका पर टीम गई थी। मौका पर टीम जाने के बाद स्थानीय लोगों को वहाँ पर एकत्रित किया गया और ये जो महिला है रीता, इसके मायका पक्ष के लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया। सभी के सामने कार्रवाई अमल में लाई गई और इसके घर पर वहीं पर एक डायरी मिली जिसमें उसने अपना सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने उसी गांव की दो लोगों के खिलाफ, जिनमें एक महिला है और एक लड़का है, दोनों ये गंगाराम की वाइफ है और गंगाराम का एक बेटा है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि लेन देन का इनको कोई मामला था, लेकिन उसी लेन देन को लेकर के इनमें कोई आपस में घासनी हुई थी और इन्होंने इसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया और उसी आवेश में आकर के इसने कहीं रात को ये सुसाइड कर लिया और इस सुसाइड नोट में ये सब चीज़ें लिखी गई। FIR दर्ज कर ली गई है और इसका पुलिस अन्वेषण अमल में ला रही है और बाकी महिला का पोस्टमार्टम सभी चीज़ें करवाई जा रही है। दिनांक 4/9/2017 को मंगवाई से एक शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट करवाई थी कि इसके घर पर चोरी हो गई है और चोरी में बताया गया था कि इसने गहने वगैरह चोरी करके कोई दे गया है और एक मोबाइल चोरी होने की बात कही गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में हर पहलू को देखा गया, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही जो है ये पता चला कि ये जो इस फैमिली की जो बहू है काजल, इसी ने घर पर चोरी को अंजाम दिया। तो अभी उसको अरेस्ट करने के पश्चात चोरी हुए जितने भी ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी कर ली गई है और इसके साथ ही साथ मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया। ये महिला अभी तक पुलिस कस्टडी में है, जो आइंदा कल पेश अदालत की जाएगी और केस का अन्वेषण अभी